वेलकम बैक गाइस। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको इस वीडियो में यूरिनरी ब्लैडर को इरिगेट कैसे करते हैं, उसको वॉश कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। जो आज का हमारा ये प्रोसीजर है, इसे यूटीआई के लिए या अदर इन्फेक्शन के लिए जो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए आपको बिल्कुल स्टेरलाइज टेक्निक का यूज़ करना होगा, और ये कोई आम प्रोसीजर नहीं है गाइस। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको एनएस की एक बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको 10 cc की ज़रूरत है, एक आपको गोज पीस भी चाहिए होगा, और आपको एक IV सेट चाहिए होगा, आपको एक बीटानिन भी चाहिए होगी, और एक सर्जिकल ग्लव्स भी चाहिए होगा। तो गाइस इन सारी चीज़ों की जो है आज हमें ज़रूरत है इस प्रोसीजर को करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस ये है हमारा एग्जामिनेशन ग्लव्स लार्ज साइज का, ये है सर्जिकल ग्लव्स 7.5 नंबर, देखिए 7.5। ये है 100 ml NS की बोतल, देखिए। ये है वेंटेड IV सेट, और ये है 10 ml की सिरिंज, और ये है बीटाडीन 500 ml। तो गाइस इन सभी चीज़ों से आज का प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन लेता हूँ ताकि जो भी केमिकल चीज़ें हैं वो मेरे टच ना हो, मुझे मेरे हाथों पर लगे ना। और ये प्रोसीजर करने से पहले आप भी एग्जामिनेशन ग्लव्स ज़रूर पहने। तो पहले हम जो स्वैब है उसे NS की जो बोतल है उसको साफ़ करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन, ताकि ये इन्फेक्टेड ना हो। उसके बाद आपने 10 ml की सिरिंज लेनी है, उसे खोलिए सावधानी से, स्टेरलाइज टेक्निक का पूरा ध्यान में रखें, और फिर जो है बीटाडीन को इसमें भर लीजिए। आप जो है बीटाडीन कुछ इस तरीके से भरिए कि आपकी जो सिरिंज है उसमें 10 ml से 12 ml तक आए। तो ये प्रोसीजर आपको दिखाने के लिए, तो मैं तो 10 ml यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह आपने प्रिक करना है और फिर उसको जो है फ्लश कर देना है 100 ml NS की बोतल में। ओके गाइस, तो ये मैं अब फ्लश कर रहा हूँ, और ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है बीटाडीन प्लस 100 ml NS का, ये हम इरिगेट करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वाया सिलिकॉन कैथेटर, और मैं आपको सिलिकॉन कैथेटर भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो गाइस ये मैंने फ्लश कर दिया है सारा का सारा बीटाडीन का सॉल्यूशन 100 ml NS के अंदर, और सेफली से जो है इसे बंद कर देता हूँ। और फिर आपने वेंटेड IV सेट को लेना है, और जो इसका स्पाइक है वेंटेड IV सेट का, उसे आपने जहाँ नीडल प्रिक किया था वहीं पर आपने जो है वहाँ से ही इसको अंदर डालना है, देखिए कुछ इस तरह। और जो सॉल्यूशन है उसे चैम्बर में डालिए थोड़ा सा, और फिर हम जो है ट्यूबिंग को एयर फ्री करेंगे। ओके गाइस, तो मैं इसे एयर फ्री कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह। एक मिनट, तो देखिए एयर फ्री मैं रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये एयर फ्री हो चुका है, और अब जो है हम इसे IV स्टैंड पर टांग देंगे बोतल को, और मैं अब आपको जो है सिलिकॉन कैथेटर दिखाता हूँ। देखिए कुछ 16 नंबर का सिलिकॉन कैथेटर है रोमसंस कंपनी का, देखिए। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ से जो है यूरिन बाहर आता है, और जो ये दूसरा है पार्ट यहाँ से जो है हम NS या फिर डिस्टल वाटर जो है फ्लश करते हैं इन्फ्लेट होने के लिए, यहाँ से यूरिन आएगा, और जो दूसरा इन्फ्लेट के लिए होता है। और जो प्रोसीजर है गाइस उसको करने से पहले आपने जो पेशेंट का जो पेट है लोअर एब्डोमन पार्ट, उसे आपने दबाना है ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर में एक्स्ट्रा यूरिन कलेक्टेड है वो बाहर आ जाए। देखिए कुछ इस जगह से आपने प्रेस करना होता है, अच्छे से प्रेस करें ताकि जो पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी अच्छी तरह से जो है खाली हो जाए, और जो यूरिन है वो यहाँ से बाहर आ जाए। और आपको दिखेगा भी जब आप प्रेस करेंगे तो जो यूरिन कलेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में वो बाहर आ जाएगा।
ओके गाइस, उसके बाद आपने जो है क्लैंप या फिर आर्टरी से कैथेटर को कुछ इस तरह से क्लैंप करना है और सेफली जो है यूरो बैग का कनेक्टर वो डिसकनेक्ट करना है कैथेटर से। और उसके बाद जो आईवी, जो हमारी आईवी लाइन है, आईवी सेट का कनेक्टर है, उसे कैथेटर से ऐसे अटैच कर देना है, देखिए कुछ इस तरह। और उसके बाद जो है क्लैंप को आपने खोल देना है और फिर जो रेगुलेटर है मैं उसे पूरा ओपन कर रहा हूँ ताकि जो हमारा 100 ml का सोल्यूशन है वो फास्टली रश हो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जो गाइस ये वाला पेशेंट है, ये यूटीआई का पेशेंट है और इसे जो है यूटीआई की काफ़ी दिक्कत है और इसे फ्लश दे रही हैं ताकि जो इसको यूटीआई की दिक्कत है वो दूर हो जाए। और ये जो मैं आईवी सेट यूज़ कर रहा हूँ, इसकी एक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकती हैं। और कई बारी 20 ml तक बीटाडीन का सॉल्यूशन 100 ml NS में रश करना पड़ता है, वो कंडीशन देखनी पड़ती है। तो गाइस ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये पूरी तरह से फ्लश हो चुका है, देखिए। उसके बाद आपने जो है इसे बंद करना है और क्लैंप से फिर दोबारा जो है कैथेटर को आप क्लैंप कर दें कुछ इस तरह से, देखिए। क्लैंप करने के बाद आपने सेफली से जो है कैथेटर से आईवी लाइन को डिसकनेक्ट करना है और जो यूरो बैग का कनेक्टर है उसे दोबारा अच्छे से कनेक्ट कर देना है। तो गाइस ये जो आज का हमारा प्रोसीजर है बस ये क्लैंप खोलने के बाद पूरा हो जाएगा, तो आप क्लैंप को खोल दीजिए और जो ये प्रोसीजर है ये पूरा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।